हेलो एवरीवन, अक्सर आप सब मुझसे पूछते हैं कि मैम इतने सारे फर्टिलाइजर्स हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा अपने प्लांट को दें और कौन सा ना दें। तो आज की वीडियो एक और फर्टिलाइज़र के बारे में है जो कि आपकी सारे सवालों के जवाब दे देगी। एक ही फर्टिलाइज़र में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत जल्दी ये प्लांट के ऊपर अपना रिजल्ट भी दिखाता है और ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और आपको इसे घर पर बनाने की झंझट भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बना नहीं पाते हैं घर पर फर्टिलाइज़र और उन्हें कुछ क्विकली यूज़ करने वाला चाहिए, जो वर्किंग है उनके लिए बहुत मुश्किल है घर पर फर्टिलाइज़र्स तैयार करना। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में। दो फॉर्म में ये मिलता है, दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों में से कौन सा बेटर है वो भी जानेंगे, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे ये हमारे प्लांट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है, वो सारी बातें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। सीवीड फर्टिलाइज़र, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीवीड से तैयार किया जाने वाला फर्टिलाइज़र। सीवीड मतलब समुद्र के अंदर उगने वाली जो घास होती है उससे ये तैयार किया जाता है और एक स्पेशल किस्म का सीवीड होता है जो कि -25 डिग्री से लेके +40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है आराम से, और इसी क्वालिटी की वजह से इसे फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन से दो तरह के फर्टिलाइज़र तैयार होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी और एक ग्रैनुलर फॉर्म में, दाने की फॉर्म में भी एक फर्टिलाइज़र जो है वो मिलता है। समंदर के खारे पानी के अंदर ये सीवीड -25 डिग्री से लेके +40 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होती है, क्योंकि इसका DNA जो है अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ चेंज होता रहता है और उसी क्वालिटी को अपने प्लांट्स में एंटर करवाने के लिए हम ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि वीड्स जो हैं आपके प्लांट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है और वीड्स की इसी क्वालिटी की वजह से सीवीड फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। इसके ग्रोथ एलिमेंट्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स जो हैं आपके प्लांट को एक बूस्ट देते हैं जो कि तेज़ी से उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन और 60+ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो आपके प्लांट के फ्लावर को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो करने में, अच्छे फ्रूट को तैयार करने में हेल्प करते हैं और इससे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम आपके प्लांट को न्यूट्रिशन अपटेक में हेल्प करेगा और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको ब्रेक डाउन करके वाटर सोल्यूबल बनाता है ताकि प्लांट उसे रूट्स के थ्रू अपटेक कर सके। इसमें मैग्नीशियम की वजह से आप एप्सम सॉल्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट्स को तो आपको उसमें मैग्नीशियम सल्फेट अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सीवीड फर्टिलाइज़र में एंजाइम्स की क्वालिटीज़ भी होती हैं जो आपकी सॉइल के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी को इनिशिएट करती हैं और वो आपकी सॉइल में से न्यूट्रिशन अपटेक के लिए हेल्प करेंगी प्लांट को, और इसी की वजह से आपका प्लांट जो है वो डिजीज़ रेसिस्टेंट भी बनता है, पेस्ट रेसिस्टेंट भी बनता है। मतलब बहुत सारी बीमारियाँ जो प्लांट्स में पाई जाती हैं और जो पेस्ट जिस तरह के प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं उन सबसे आपका प्लांट जो है वो काफ़ी टाइम तक बचा रहता है, बहुत जल्दी डिसीज़ या पेस्ट उसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये फर्टिलाइज़र मेनली आपको दो वैराइटीज़ में मिलता है, एक ये उसकी लिक्विड फॉर्म है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक ये ग्रैनुलर फॉर्म में होता है, इस तरह से पैकेट की फॉर्म में वो आपको मिलेगा, छोटे छोटे दाने की तरह ये होता है। दोनों ही फॉर्म्स जो हैं वो इसकी काफ़ी अच्छी होती हैं, बट ज़्यादातर केसेस में इसका जो लिक्विड फॉर्म है इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है और जल्दी अपना इफेक्ट जो है वो प्लांट में दिखाता है। तो अगर वो आप ग्रैनुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं जो कि दाने की फॉर्म में होगा तो उसको पानी के साथ घुलने में और रूट्स को उसे अपटेक करने में टाइम लगता है, उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, इसलिए वो बहुत जल्दी आपके प्लांट्स के ऊपर अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं। इसके कंपैरिजन में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं, बहुत जल्दी प्लांट इसे एब्जॉर्ब करके अपने रिजल्ट प्लांट्स के ऊपर दिखाने लग जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में सीवीड फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रैनुलर फॉर्म। बट जब हम सीवीड को लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्सेंट्रेशन में ये बना हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसको पानी में डिल्यूट करके तैयार किया जाता है। मेरे पास ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे 3 ml यूज़ करना होता है इन 1 liter ऑफ वाटर, मतलब 1 liter पानी के अंदर आपको 3 ml तक इसे यूज़ करना है। इसके साथ ये जो एक मेजरिंग कप है ये भी मिलता है, इसकी हेल्प से आप मेजर करके डाल सकते हैं, इसके ऊपर मेजरमेंट के मार्क्स जो हैं वो बने होंगे। जैसे एक मैंने 10 liter की बकेट में इसे तैयार किया है तो 10 liter की बकेट के अंदर मुझे 30 ml जो है वो इसमें डालना पड़ेगा, तो उसकी डिल्यूशन के साथ मैं इसे अपने प्लांट्स में दे सकती हूँ। आप अपने प्लांट के ऊपर इसकी फॉइल स्प्रे भी कर सकते हैं, पत्तियों के थ्रू भी ये प्लांट इस न्यूट्रिशन को अपटेक कर लेता है, अब्जॉर्ब करता है इसे, और इसे पानी में
पानी घोल के फॉयलेज के ऊपर देने के लिए आपको 1 ml यूज़ करना है इन 1 liter ऑफ वाटर। देखिए ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं किसी ब्रांड को मेंशन नहीं कर रही हूँ कि कौन से ब्रांड का है, बट फिर भी कई लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम आप कौन सा यूज़ करते हो, तो इसलिए मैं इसका नाम पढ़ के आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनिक ड्यूज़ का है ये, और मैंने इसे अमेज़न से परचेज़ किया था, आपको वहाँ से ये आसानी में से मिल जाएगा। ये जो दूसरा फर्टिलाइज़र है ये भी इफ़ेक्टिव होते हैं, बट इनका रिज़ल्ट आपको दिखने में टाइम लगता है, और ये मैंने अभी अभी यूज़ करना शुरू किया है, तो इसकी मैं फीडबैक अभी आपको ऑनेस्ट नहीं दे पाऊँगी। हाँ, इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे। ये देखिए क्रिसेंथमम का प्लांट मेरा देखिए किस तरह का था, और इसमें आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो हो गई थी, आप इसमें ग्रीन वेंस देख रहे होंगे और बीच में लीफ थोड़ी थोड़ी येलो हो गई है, तो ऐसी डेफिशिएंसी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आप न्यू ग्रोथ नोटिस करेंगे मेरे प्लांट की, कैसे इसमें ग्रीन पत्तियाँ जो है वो बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ इसमें आनी शुरू हो गई हैं। जब भी हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं प्लांट को रिपेयर करने के लिए, तो वो उसकी ख़राब हो चुकी पत्तियों को कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पत्तियाँ एक बार बन चुकी हैं वो फिर से ग्रीन कर पाना उनको नामुमकिन है। इसलिए हमेशा प्लांट के ऊपर किसी फर्टिलाइज़र का इफेक्ट देखने के लिए हमेशा उसकी न्यू ग्रोथ को नोटिस करें। तो अपने प्लांट में ये सीवीड फर्टिलाइज़र के डालने के ऑलमोस्ट 1 week के बाद मुझे इसकी जो ग्रीन आती हुई पत्तियाँ जो हैं वो दिखने लग गई, मतलब मेरे प्लांट की जो डेफिशिएंसी थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वो दूर हो गई है। ग्रैनुलर फॉर्म में अगर आप इसे डालना चाहते हैं अपने प्लांट में, ग्रैनुलर फॉर्म मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसको घोलना नहीं पड़ता है पानी में, ये उससे भी ज़्यादा रेडी टू यूज़ है, बट ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे अपना इफेक्ट जो है वो प्लांट के ऊपर दिखाएगा। और इसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एक चम्मच इसका लेना है, और 10 से 12 इंच के पॉट में आप पौने से एक चम्मच जो है वो इसका डाल सकते हैं आराम से, और मिट्टी के अंदर इसे मिक्स कर दीजिए, और ऊपर से वाटरिंग ज़रूर करें। वाटरिंग करने के बाद ही ये आपको अपना इफेक्ट जो है वो प्लांट में दिखाना शुरू करेगा। पानी में घुलने के बाद जब ये ब्रेक डाउन होंगे इसके मिनरल्स, तभी इसका इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर दिखेगा। सीवीड की NPK रेशियो होती है 1:0:4, मतलब 1 part ऑफ नाइट्रोजन, 0 part ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 part ऑफ पोटाशियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नाइट्रोजन एलिमेंट इसमें बहुत कम मिलता है, फॉस्फोरस इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा, हालांकि सी के अंदर काफ़ी सारा फॉस्फोरस पाया जाता है, बट ये जो वैरायटी है सीवीड की ये फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए 0 ratio होगी इसमें फॉस्फोरस की, और पोटाश इसमें जो है वो 4 ratio में मिलता है, दैट मीन्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको इसमें पोटाश मिल जाएगा। अगर आपका प्लांट काफ़ी टाइम से फ्लावर्स या फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आप उसमें पोटाश ज़रूर दें, या आप ये सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं, जो इसकी पोटाशियम की कमी को दूर करेगा और उसमें बर्ड्स प्रोड्यूस करने शुरू करेगा। इसकी NPK रेशियो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसलिए आप इसमें साथ में वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या किचन डंग कंपोस्ट के कॉम्बिनेशन के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अपने प्लांट के लिए कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, एक कंपोस्ट और एक सीवीड फर्टिलाइज़र ये दोनों इसके लिए इनफ हैं, इसकी हर तरह की ग्रोथ को और इसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए। मैग्नीशियम इसमें ऑलरेडी है तो आपको एप्सम सॉल्ट नहीं डालना पड़ेगा, इसमें एंजाइम्स के फीचर हैं तो आपको बायो एंजाइम खुद से बना के इसमें नहीं डालना पड़ेगा, उसके फीचर्स इसमें ऑलरेडी हैं, ये आपको एंजाइम्स के बेनिफिट भी देगा। और एक बात जो मुझे सीवीड फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है वो ये कि इसका pH लेवल जो है वो 8 to 11 के बीच में होता है, मतलब एल्कलाइन साइड पे होता है ये थोड़ा सा, मतलब अगर आपके किसी प्लांट के अंदर ओवर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, मतलब आपने उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं या आपने केमिकल फर्टिलाइज़र स्ट्रॉन्ग वाले उसमें यूज़ कर लिए हैं, तो उनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, ये आपके सॉयल के pH लेवल को बैलेंस करेगा। जब हम किसी प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक फर्टिलाइज़र्स डाल देते हैं तो उसका pH लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगता है, मतलब आपकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, एंड इन द रिज़ल्ट आपके प्लांट की लीव्स वगैरह जो है वो जली जली सी होने लग जाती हैं। उसके इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको आपके सॉइल के pH लेवल को इम्प्रूव करना पड़ता है, और उसके लिए अगर आप उसमें सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो वो आपके सॉइल के pH लेवल को नॉर्मलाइज़ करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स के लिए 5.5 to 6.5 के बीच का जो pH लेवल होता है वो परफेक्ट होता है, और इसी सॉइल कंडीशन के अंदर आपके प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट्स में हर 15 दिन के बाद जो है वो दे सकते हैं, और ध्यान रखें कि बाकी के फर्टिलाइज़र की तरह इसे भी प्लांट्स के ग्रोइंग सीजन में ही देना है, मतलब जो प्लांट्स अपने डोमेंसी पीरियड में हैं उनमें आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स में इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे इंडोर प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, सभी तरह के आउटडोर प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्रूटिंग प्लांट्स में, वेजिटेबल प्लांट्स में,
हर तरह के प्लांट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, उसमें ग्रोथ स्टिमुलेंट्स को बढ़ाता है और उसको ड्राफ्ट रेसिस्टेंट बनाता है, पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंट बनाता है, मतलब आपके प्लांट के ओवरऑल हेल्थ को ये इम्प्रूव करेगा और आपके प्लांट्स के ऊपर आने वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, मतलब फ्लावर जो है वो जल्दी गिरेंगे नहीं। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर जो कलियाँ हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, या कुछ वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर आते हैं वो पॉलिनेशन से पहले और फ्रूट में कन्वर्ट होने से पहले ही वो गिर जाते हैं, या छोटे छोटे फ्रूट ही जो हैं वो तैयार होने से पहले ही गिरने शुरू हो जाते हैं, प्लांट से टूट जाते हैं अपने आप ही। तो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आप अपने प्लांट्स में सीवीड फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ करके देखें, ज़रूर इसे ट्राई करें, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। जिस भी प्लांट में प्रॉब्लम है उसमें आपको फिर 15 डेज़ के इंटरवल के बाद की जो डोज है वो मिस नहीं करनी है। जो प्लांट्स आपके नॉर्मल हैं उसमें आप थोड़ा आगे पीछे दिन कर सकते हैं, 15 दिन की स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर किसी प्लांट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है और आप उसे दूर करना चाहते हैं तो 15 डेज़ के इंटरवल के बाद आप उसकी सीवीड की डोज को मिस ना करें। तैयार प्लांट में यूज़ करने के अलावा आप इसे सीडलिंग और सीड्स को ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर पे सीड्स ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर सीवीड की स्प्रे करने से आपके सीड्स की जो जर्मिनेशन रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो आपकी सीडलिंग उसके बाद तैयार होगी उसका रूट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा और आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग तैयार होंगे। मेरी तरह जो लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है और आपकी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी मेहनत आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसकी एक बॉटल जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक निकल जाता है, टाइम डिपेंड करता है कि आपके पास कितने प्लांट्स हैं और आप उसको कितना रेगुलरली आप इसे यूज़ करते हैं। अलग अलग ब्रांड्स के जो सीवीड फर्टिलाइज़र आते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मेंशन किया हो जाता है कि कितने लीटर में आपको कितनी क्वांटिटी डालनी है उसी के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करें। हर केस में ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ किए हैं जैसे कि सॉइल का पीएच लेवल या अल्कलाइन या एसिडिक क्या होता है, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कैसे उनकी डेफिशिएंसी का पता चलता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरी डिटेल्स में वीडियो बनी हुई हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उन वीडियोस को देख के फिर आप ये वीडियो देखें तो आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और क्यों सॉइल का पीएच इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एरिया की गार्डन सॉइल को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है जो आपको टेस्ट के बाद बताएगा कि आपकी सॉइल कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लांट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपको किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके क्वेरीज़ का रिस्पॉन्स करने की। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।